जय हिंद साथियों, घटनाचक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं विपुल कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा ध्वनि। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग तरंग के विषय में पढ़े थे और आज हम लोग ध्वनि के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ध्वनि क्या है और ध्वनि से संबंधित कितने प्रश्न और किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम लोग बारी बारी से यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, बात उठती है कि ध्वनि क्या है। तो हम लोग तरंग के टॉपिक को पढ़ते समय आपको बताए थे कि तरंग दो प्रकार की होती है, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग जिसे मैकेनिकल तरंग भी कहते हैं, और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यहां हमने आपको बताया था कि यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव और गैस इन सभी माध्यमों में चलती हैं, लेकिन निर्वात में इनका संचरण नहीं होता। ठीक है, अर्थात यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम क्या होगा, माध्यम अनिवार्य होता है। ठीक है, अर्थात अगर ठोस, द्रव, गैस माध्यम होगा तो इनका संचरण होगा, और अगर निर्वात या वैक्यूम पाया जाएगा तो इनका संचरण नहीं होगा। ठीक है, अयांत्रिक तरंगों के विषय में हमने बताया था कि इसके लिए माध्यम अनिवार्य नहीं होता, माध्यम अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये ठोस में भी चल सकती है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है, और इसके साथ साथ निर्वात में भी इसका संचरण होता है। ठीक है, निर्वात में भी इनका संचरण होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ये फिर से दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग और दूसरे को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंगों के विषय में हमने बताया था कि या तो ये ठोस माध्यम में चलती है या द्रव के ऊपरी सतह तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये द्रव के भीतरी भागों में ठीक है, और साथ ही साथ निर्वात में, ठीक, इन दो स्थानों पे इसका संचरण नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अनुदैर्ध्य में हमने बताया था कि ये ठोस में चलता है, द्रव के सभी स्थानों पे चलता है, अर्थात ऊपरी सतह पर भी, भीतरी भागों में भी और गैस में भी चलता है। ठीक, अब यहाँ देखिए, द्रव के भीतरी भाग में ये नहीं चलेगा, गैस में ये नहीं चलेगा और निर्वात में ये नहीं चलेगा, लेकिन ये ठोस में, द्रव के सभी भागों में, गैस में चलती है, लेकिन निर्वात में इसका संचरण नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हमने यह बताया था आपको कि अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत उदाहरण के रूप में हमने बताया था कि इसमें हमने बताया था कि ध्वनि तरंगे, दूसरा भूकंप तरंगे, तीसरा स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ठीक, और चौथा वायु में उत्पन्न तरंगे। ठीक है, तो ये सब अनुदैर्ध्य प्रकृति के तरंगे होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसकी प्रकृति क्या होगा, अनुदैर्ध्य की होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि नहीं। यहां देखिए, यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक का अनुदैर्ध्य के भाग में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है जिसकी प्रकृति कैसी होगी, अनुदैर्ध्य तरंग के समान होती है। ठीक, तो इतने प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न में पूछा गया है कई बार कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है,
तो या तो उत्तर यांत्रिक लगा रहेगा या तो अंतर लिखा रहेगा। ठीक है, यांत्रिक लिखा रहे तो यांत्रिक ही लगाइएगा, और अगर यांत्रिक का डिवाइड करके अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में बांट दे तो यांत्रिक में भी ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की तरंग है। ठीक है, तो आइए इतने प्रश्न पे हम लोग पिछले वीडियो में भी चर्चा कर दिए थे, अब आते हैं ध्वनि के विषय में। तो यहां देखिए ध्वनियां यांत्रिक तरंग है जिसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, अब ये ध्वनि तीन भागों में बांटा जाता है। पहला जिसे हम कहते हैं अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, दूसरा है श्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, और तीसरा है पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो अवश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग, जिसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक, इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव, इसे कहा जाता है ऑडिबल वेव, और इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो यहां देखिए प्रश्न अगर पूछा जाए कि ध्वनि तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं, तो ध्वनि तरंगे कुल तीन प्रकार की होती हैं। पहला है अवश्रव्य, दूसरा है श्रव्य और तीसरा है पराश्रव्य। ठीक है, तो अब अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि ध्वनि तरंगों के विभाजन का आधार क्या है, अर्थात किस आधार पर हम इन ध्वनि तरंगों को तीन भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इन तीन भागों में विभाजन का जो आधार है वो क्या है, इनका तरंग दैर्ध्य परिसर, अर्थात तरंग दैर्ध्य के अंतर के आधार पर ही हम इसे तीन भागों में बांट देते हैं। ठीक, अब देखिए अवश्रव्य तरंग को क्या कहा जाता है, तो अवश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य परिसर, तरंग दैर्ध्य परिसर 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, तो जिनकी आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य परिसर जो होगा, ठीक, इसे देखिए तरंग दैर्ध्य परिसर या आवृत्ति भी कहा जा सकता है, तो जिनकी तरंग दैर्ध्य परिसर या आवृत्ति, ठीक है, कितना होगा, जिनकी तरंग दैर्ध्य परिसर या आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अवश्रव्य तरंग कहते हैं, और इन तरंगों को नहीं सुना जा सकता। ठीक है, नहीं सुना जा सकता। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी कान से अवश्रव्य तरंग को नहीं सुन सकते। ठीक है, अब यहां पर श्रव्य तरंग है, तो श्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य परिसर या आवृत्ति परिसर कितना होगा, तो जिन तरंगों की आवृत्ति परिसर, आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं श्रव्य तरंग। श्रव्य से ही स्पष्ट है, ऑडिबल, अर्थात इसे हम सुन सकते हैं। ठीक, इसे सुना जा सकता है। ठीक, सुना जा सकता है। ठीक, अब तीसरा है पराश्रव्य तरंग, तो पराश्रव्य तरंगों को जिनकी आवृत्ति परिसर, आवृत्ति परिसर या तरंग दैर्ध्य परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक, तो जिनकी आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा उसे हम पराश्रव्य कहते हैं, जिसकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है उसे हम श्रव्य तरंग कहते हैं, और जिनकी आवृत्ति परिसर 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे हम अवश्रव्य तरंग कहते हैं। तो यहां देखिए केवल श्रव्य तरंग को ही सुना जा सकता है, अवश्रव्य तरंग को और पराश्रव्य तरंग को इसे नहीं सुना जा सकता, नहीं सुना जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के द्वारा अपने कान से
जिस ध्वनि तरंग को सुना जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे श्रव्य तरंग या ऑडिबल कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि किन किन प्रकार के ध्वनि तरंगों को नहीं सुना जा सकता, तो यहां किन किन प्रकार के कहा गया है, तो अश्रव्य को भी नहीं सुना जा सकता और पराश्रव्य को भी नहीं सुना जा सकता। ठीक है, ये दो प्रश्न है। अब यहां से मानव की बात अगर हम हटा दें तो यहां पर कुछ जानवर हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, हाथी, डॉल्फिन, इन जानवरों के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक, सुना जा सकता है किसे? जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो पराश्रव्य तरंगों को इंसान तो नहीं सुन सकता, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चमगादड़, डॉल्फिन आदि ऐसे जानवर हैं जो पराश्रव्य तरंगों को अपनी कान से सुन सकते हैं और अपने सदस्यों के बीच वार्तालाप भी स्थापित करते हैं। जो संवाद होता है इनका, वो इन्हीं पराश्रव्य तरंगों के रूप में ही किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि विभिन्न जानवरों के द्वारा या उनका नाम लिख दिया जाता है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चमगादड़ आदि के द्वारा किस प्रकार के ध्वनि तरंग को सुना जा सकता है, तो उसका उत्तर होगा पराश्रव्य तरंगों को सुना जा सकता है। ठीक है, अब आइए देखिए, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी देखिए, तो ये गाल्टन के सीटी द्वारा इसको उत्पादित किया गया था। अर्थात एक वैज्ञानिक थे गाल्टन, उन्होंने एक विसिल ऐसा बनाया था जिसके द्वारा पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले उत्पन्न किया गया। ठीक है, तो इन्होंने ये पाया कि एक ऐसी तरंग इससे निकल रही है जिसको ये तो नहीं सुन सकते, अर्थात कोई इंसान तो नहीं सुन रहा है, लेकिन कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चमगादड़ आदि इसको सुन रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने पाया कि ये पराश्रव्य तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति परिसर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपसे तरंग और उनके प्रकार के, ध्वनि और उनके प्रकार के विषय में पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ध्वनि की चाल। ठीक है, ये अगला टॉपिक है ध्वनि में। ठीक, तो आइए देखते हैं ध्वनि की चाल के विषय में। तो ध्वनि की जो चाल होती है, इसे ध्यान दें, जो ध्वनि की चाल की निर्भरता होती है, निर्भरता ये किस पर निर्भर करता है, तो ये माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहां पर देखिए, घनत्व मतलब डेंसिटी की बात किया गया है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, जिसका घनत्व सर्वाधिक होता है उस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है। ठीक है, जैसे, तो यहां पर देखिए, तीन प्रकार के माध्यम होते हैं, एक ठोस होगा, एक द्रव होगा और तीसरा गैस। ठीक है, तो यहां सबसे ज्यादा घनत्व किसका होगा, तो सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ठोस में ध्वनि की चाल क्या होगा, तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगा। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगा, तो आप लगाएंगे ठोस माध्यम में। ठीक है, दूसरी शर्त यहां पर दिया गया है कि जिसका घनत्व कम होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। उसमें ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, जैसे गैस। ठीक है,
तो यहां देखिए विभिन्न माध्यमों में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का है, इसलिए ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगा, ठीक। और गैस में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल न्यूनतम होगा, तो गैस लगाएंगे, और किस में सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा ठोस में होगा, ठीक। अब प्रश्न कथन के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, कथन के प्रश्न को ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न दे दे कि ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, तो कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये घनत्व पर ही निर्भर करता है, अर्थात अगर माध्यम का घनत्व बढ़ता है तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, और माध्यम का घनत्व घटता है तो ध्वनि की चाल घट जाती है, ठीक है। इसी माध्यम के घनत्व के आधार पर ये बताया गया कि चूंकि ठोस में उसका घनत्व सर्वाधिक होता है, इसलिए ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी, जबकि गैस माध्यम का घनत्व सबसे कम होता है, इसलिए गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, ठीक। अब यहां पर द्रव की बात करें तो द्रव में क्या है, तो द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, ठीक है। द्रव का जो घनत्व होगा वो ठोस से कम होता है, इसका मतलब है कि द्रव में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल ठोस से कम होगा, ठोस से कम होगा, ठीक। लेकिन अगर हम गैस से इसकी तुलना करें तो द्रव का घनत्व गैस से अधिक होता है, ठीक है, गैस से अधिक होता है, इसका मतलब क्या है कि द्रव में ध्वनि की चाल गैस से अधिक होगा, अधिक होगा, ठीक, क्लियर हुआ। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होगा, तो वो हो जाएगा द्रव, क्योंकि द्रव का जो घनत्व होता है ठोस से कम होता है लेकिन गैस से अधिक होता है, ठीक है। अब इसका आरोही और अवरोही क्रम अगर हम देखें, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, तो यहां आरोही क्रम में अगर इसको व्यवस्थित करना है कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, बढ़ने वाला क्रम, तो यहां पर बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे। इसका मतलब है कि यहां पर सबसे पहले हम गैस को लिखेंगे, गैस के बाद द्रव लिखेंगे, और द्रव के बाद ठोस को लिखा जाएगा, अर्थात गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम और ठोस में सबसे ज्यादा है, तो बढ़ने वाला क्रम अर्थात आरोही क्रम इसका हो जाएगा गैस, द्रव और ठोस। लेकिन अगर अवरोही क्रम की बात करें अर्थात घटते हुए क्रम में, तो सबसे पहले ठोस को लिखेंगे, इसके बाद द्रव को लिखेंगे, इसके बाद गैस को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आरोही क्रम में पूछेगा तो गैस पहले आएगा, ठोस बाद में आएगा, और अवरोही क्रम में पूछा जाए तो ठोस पहले आएगा और गैस लास्ट में आएगा। लेकिन अगर आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम, ठीक है, प्रश्न इस तरह से आपके सामने आ जाए कि आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल दूसरे नंबर पर कहाँ होगी, ठीक है, तो दूसरे स्थान पर हमेशा द्रव को ही रखा जाएगा, चाहे आरोही क्रम में रखें तब भी द्रव मध्य में आएगा, ठीक, और अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तब भी द्रव मध्य में ही होगा, ठीक है। तो दोनों ही क्रम में, आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ध्वनि की चाल दूसरे स्थान पर द्रव में ही होगा, ठीक। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो ये सीधे पूछ लिया गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी प्रश्न इसके उदाहरण के रूप में पूछा जाता है, जैसे दे देता है लोहा, ग्लिसरीन और हाइड्रोजन, ठीक। अब इस तरह से देकर प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा और सबसे कम कहां होगी, तो यहां पर लोहा को लेंगे, लोहा कैसा माध्यम हुआ, तो लोहा ठोस माध्यम होगा, ठीक है। ग्लिसरीन को देखा जाए तो ग्लिसरीन एक लिक्विड है अर्थात द्रव है, और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो यहां पर अगर इस तरह से उदाहरण दे दे ठोस द्रव गैस के, तो वहां भी ध्यान रखिएगा जो गैसी माध्यम होगा वहां ध्वनि की चाल सबसे कम, और जो ठोस माध्यम होगा वहां ध्वनि की चाल सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जितने माध्यम होगा सब ठोस दे देता है, जैसे दे देता है लोहा, हीरा, कांच, ठीक, या लोहा दे दिया,
लोहे के बाद तांबा दे दिया, कांच दे दिया, ठीक है। तो अब प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहाँ है, तो इन तीनों माध्यमों में अर्थात लोहा, तांबा और कांच, इन तीनों उदाहरणों में अगर देखा जाए तो तीनों ठोस के उदाहरण है, तीनों ही ठोस माध्यम है, लेकिन यहां पर इन तीनों का घनत्व तो क्या होगा, इनका घनत्व तो अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न होगा। अर्थात सर्वाधिक घनत्व किसका है, तो लोहे का है। तो इन तीनों ठोस माध्यम में हमको यह देखना पड़ेगा कि घनत्व किसका ज्यादा होगा, और जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसी में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगा। तो यहां पर लोहे में सबसे ज्यादा होगा, तांबे में उसके बाद होगा, और कांच में सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि कांच का जो घनत्व होता है तांबे से भी कम होता है और लोहे से भी कम होता है। तो यहां पर अगर एक ही माध्यम में प्रश्न दिया हो, ठीक है, अर्थात सभी ठोस माध्यम का उदाहरण हो, तो ऐसी स्थिति में हम उन उदाहरणों में ये देखेंगे कि किसका घनत्व सर्वाधिक है और किसका घनत्व सबसे कम है, ठीक है। तो यहां पर घनत्व से संबंधित प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ये हुआ ध्वनि की चाल के विषय में। अब ध्वनि की चाल के विषय में अगली विशेषता पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये तो हुआ ध्वनि की चाल किस माध्यम में कितना होता है, ठीक है, विभिन्न माध्यम में अलग अलग हमने बताया था, ठीक है। तो अगर कथन लिख दे कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होता है, तो ये कथन क्या होगा, ये कथन पूर्णतः सत्य होगा, क्योंकि विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न ही होता है, अर्थात ठोस में सबसे ज्यादा और गैस में सबसे कम, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ध्वनि की चाल, ये तो हमने बताया इसके घनत्व के आधार पर माध्यम में ध्वनि की चाल। अब यहां से ध्यान दीजिए कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि एक यांत्रिक अर्थात अनुदैर्ध्य प्रकृति का तरंग है, ठीक। तो इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विशेषता होती है कि यह निर्वात में संचरित नहीं होता, निर्वात में संचरित नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये निर्वात में नहीं चलेगा, तो ऐसे प्रत्येक स्थान पर जहां निर्वात पाया जाएगा वहां ध्वनि की चाल संचरित नहीं होगी, अर्थात शून्य हो जाती है, ठीक। तो निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होगा, तो निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य हो जाता है, शून्य मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि निर्वात कहां कहां है, तो एक तो हम जान लेते हैं कि चंद्रमा और अंतरिक्ष यान, ठीक है, ये ऐसे स्थान हैं जहां पर निर्वात पाया जाता है, ठीक है। तो अगर यहां पर निर्वात पाया गया, तो यहां पर ध्वनि की चाल क्या होगा, ध्वनि की चाल शून्य होती है, ठीक है। चंद्रमा पर और अंतरिक्ष यान में ध्वनि की चाल शून्य होती है, क्यों, क्योंकि इन दोनों स्थान पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है, वायुमंडल अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, जिसे हम कहते हैं निर्वात अर्थात वैकुम की स्थिति, ठीक है। तो यही प्रश्न दूसरे रूप में आपसे पूछा जाता है कि चंद्रमा पर होने वाले धमाकों को अथवा दो व्यक्तियों के बातचीत को नहीं सुना जा सकता, क्यों। तो देखिए, अगर चंद्रमा पर कोई धमाका हो जाए, या दो व्यक्ति वहां पर चंद्रमा में अंतरिक्ष यात्री के रूप में गए हैं और वहां आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे की बात को अपने कान से नहीं सुन सकते, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा पर निर्वात पाया जाता है, अर्थात वायुमंडल अनुपस्थित होता है, और ऐसी स्थिति में वहां पर ध्वनि का संचरण नहीं होता, और अगर ध्वनि तरंग का संचरण नहीं होगा तो हमारी कान तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए चंद्रमा पर होने वाले धमाकों को अथवा दो सहयात्रियों के आपसी बातचीत को नहीं सुना जा सकता, ठीक है। तो इसका उत्तर भी ध्यान रखिएगा, और ऐसा क्यों होता है, तो ये ध्वनि के यांत्रिक अथवा अनुदैर्ध्य प्रकृति की विशेषता होने के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगला सब टॉपिक है इसका ध्वनि के लक्षण।
तो देखिए ध्वनि में मुख्यतः तीन प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, एक है तारत्व, दूसरा है तीव्रता और तीसरा है गुणता। ठीक है, तो तीनों के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, तारत्व क्या है, तीव्रता क्या है, गुणता क्या है, ठीक, या इससे संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है। तो तारत्व इसे हम अंग्रेजी में पिच भी कहते हैं। ठीक है, तो तारत्व क्या होता है, तो तारत्व देखिए ध्वनि का वह लक्षण होता है, ध्वनि का वह लक्षण होता है जिसके कारण हम ध्वनि को पतली अथवा इसी को हम कहते हैं तीक्ष्ण, या इसी को कहा जाता है श्रील, पतली और मोटी, जिसे ग्रेप भी कहा जाता है, मोटी ध्वनि के रूप में वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ ध्वनियाँ पतली या तीक्ष्ण होती हैं तो कुछ मोटी होती हैं। ठीक, तो पतली और मोटी ध्वनि का विभाजन का आधार क्या है, तो इसे हम ध्वनि के तारत्व के आधार पर विभाजित करते हैं। और ये तारत्व किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जिस ध्वनि का आवृत्ति अधिक होगा उसका तारत्व अधिक होता है, उसका तारत्व अधिक होता है। ठीक, और जिसकी आवृत्ति कम होगा उसका तारत्व कम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ध्वनि की तारत्व होता है, ध्वनि का तारत्व ये तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे ध्वनि का आवृत्ति बढ़ेगा तो उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है, और अगर आवृत्ति घटेगा तो उसकी तीव्रता भी घट जाती है। ठीक है, तो आवृत्ति के बढ़ने पर तीव्रता बढ़ती है और आवृत्ति के घटने पर तीव्रता घट जाती है, अर्थात आवृत्ति निर्भर किस पर, तारत्व निर्भर किस पर करता है, तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर अब हम ध्यान देते हैं कि अगर तारत्व बढ़ता है तो क्या होगा, तारत्व बढ़ने पर तो तारत्व बढ़ता है तो क्या होगा, तारत्व के बढ़ने से ध्वनियां तीक्ष्ण हो जाती हैं, अर्थात पतली हो जाती हैं, तीक्ष्ण अथवा पतली हो जाती है। ठीक, तो यहां ध्यान रखिएगा, अगर तारत्व बढ़ेगा अर्थात आवृत्ति बढ़ रहा है तो तारत्व बढ़ेगा, और अगर तारत्व बढ़ेगा तो ध्वनि क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण अथवा पतली अर्थात श्रील हो जाती है। ठीक, लेकिन अगर तारत्व घटता है तो क्या होगा, ध्वनि मोटी हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो पतली ध्वनि किसका होता है, तो पतली ध्वनि महिलाओं का होगा। ठीक, छोटे जो बच्चों की तोतली आवाजें होती हैं और मच्छर के भनभनाहट में होती है। ठीक, और कोयल की आवाज़, ठीक, पक्षियों में कोयल की आवाज़ लें, ठीक, मच्छर में मतलब
मच्छर के भनभनाहट की ध्वनि ले अथवा छोटे बच्चों की ध्वनि ले अथवा महिलाओं की ध्वनि, तो ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? तो तीक्ष्ण या पतली ध्वनियाँ होती हैं। और क्यों तीक्ष्ण या पतली होती हैं? क्योंकि उनका तारत्व क्या होगा? उनका तारत्व अधिक होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि महिलाओं की, बच्चों की, मच्छर की भनभनाहट अथवा कोयल की आवाज़ पतली होने का कारण क्या है? तो पतली है इसका मतलब उसका तारत्व अधिक होगा, ठीक है? तो तारत्व के बढ़ने पर ध्वनियां तीक्ष्ण हो जाती हैं, और तारत्व के घटने पर क्या होगा? तो तारत्व के घटने पर ध्वनि मोटी हो जाती है। तो अब हम मोटी ध्वनि का अगर उदाहरण देखा जाए कि मोटी ध्वनि में हम किसे शामिल करेंगे, तो मोटी ध्वनि में देखिए पतली ध्वनि में महिला को शामिल किया गया, तो मोटी ध्वनि में पुरुष को शामिल किए थे, ठीक है? तो इसमें पुरुष हो जाएंगे। अब यहां पर मच्छर की बनबनाहट के स्थान पर हम लिख सकते हैं शेर की दहाड़, शेर की दहाड़, ठीक। कोयल की आवाज के स्थान पर कौवे की आवाज, ठीक। तो यहां पर जो कौवे की आवाज होती है, शेर की दहाड़ होती है, और पुरुष की जो ध्वनि निकलती है, ठीक है, तो ये मोटी होती है। तो मोटी क्यों है? क्योंकि उसका तारत्व क्या है? उसका तारत्व कम होता है। तो तारत्व के घटने से ध्वनि मोटी और तारत्व के बढ़ने से ध्वनि पतली हो जाती है, ठीक है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं का की ध्वनि पतली होती है, क्यों? तो पुरुष की अपेक्षा पूछ रहा है, तो पुरुष की अपेक्षा इसलिए पतली है क्योंकि पुरुष का तारत्व कम होता है जबकि महिला के ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि शेर की दहाड़ और मच्छर की बनबनाहट में किसका तारत्व अधिक है और किसका तारत्व कम है? तो शेर की दहाड़ का तारत्व कम है और मच्छर की भनभनाहट का तारत्व अधिक है, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौवे की आवाज और कोयल की आवाज किसका तारत्व अधिक होगा? तो कोयल की आवाज पतली है, इसका मतलब इसका तारत्व अधिक होगा। कौवे की आवाज मोटी है, इसका मतलब इसका तारत्व अधिक होगा, ठीक है। तो तारत्व के आधार पर हम ध्वनि को पतली और मोटी के रूप में विभाजित करते हैं, ठीक। ये पहला प्रश्न है कि मोटी और पतलेपन का विभाजन का आधार तो उसका तारत्व है। तारत्व निर्भर किस पर करेगा? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक। तो आवृत्ति के बढ़ने पर तारत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवृत्ति के बढ़ने पर तारत्व बढ़ता है, अर्थात तारत्व और आवृत्ति के मध्य अनुक्रमानुपाती संबंध पाया जाता है। तो इसका मतलब है, अनुक्रमानुपाती संबंध का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो तारत्व भी बढ़ेगा और आवृत्ति घटेगा तो तारत्व भी घटेगा, ठीक। अब प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे कि अगर कोई भी ध्वनि पतली या तीक्ष्ण सुनाई देती है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि उस ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ठीक। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित उदाहरणों में से किसका तारत्व कम है? तो किसका तारत्व कम है पूछेगा, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, जिनकी भी आवाज मोटी होगी उनका तारत्व कम होगा और जिनकी भी आवाज पतली होगी उनका तारत्व अधिक होता है, ठीक है। तो इतने टाइप के प्रश्न केवल आपसे तारत्व से पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं तीव्रता के विषय में, ध्वनि का अगला लक्षण है तीव्रता और गुणता, ठीक है। तो इन दोनों लक्षणों पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।